कोलारस में कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे ने वोटर्स को धमकाया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बैजनाथ यादव के बेटे की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे के द्वारा एक वोटर को धमकाते हुए चाटा मारने का प्रयास किया गया। पीड़ित ने इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। जानकारी के मुताबिक कोलारस विधानसभा क्षेत्र के पेरोंठ गांव में आज मतदान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी बैजनाथ यादव के छोटे बेटे धर्मवीर यादव ने भाजपा कार्यकर्ता और मतदाता दुर्गा प्रसाद शर्मा को धमकाते हुए चाटा मारने का प्रयास किया। पीड़ित युवक ने इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखिए क्या कुछ कहा युवक ने। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। आज मतदान केंद्र पर पीरोंठ पंचायत में 17 नवंबर 2023 को मतदान हो रहा था। उस टाइम पर कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय श्री बैजनाथ सिंह जी यादव जी के छोटे पुत्र धर्मवीर यादव जी के द्वारा मेरा हाथ पकड़कर और थप्पड़ देने का प्रयास किया गया और मुझे धमकी दी गई कि मैं तुझे मित्रों के हाथों से जूते पड़वाऊँगा। यह शब्द बोलकर और यहाँ से निकल गए। अब मैं समस्त ब्राह्मण बंधुओं से बोलना चाहता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। अब आप खुद समझदार हैं सब।